ज्यादा खराब साबित होता हुआ। चलिए दो ही खिलाड़ी डाउन किए गए थे, हर्षु वो अभी भी मौजूद है, वाइपर उनको भी आप देख पाएंगे, वाइपर का एक बढ़िया ग्रेनेड, एक खिलाड़ी डाउन किया, विजन सामने मौजूद है, एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया है, बट हर्षु वो बहुत ज्यादा ओपन से निकल कर गए और देखा ये डाउन कर पाएंगे, दोनों ने दिया जंप शॉट, बट विजन वो थोड़ा ज्यादा तेज है, क्लच कर गया वाइपर, 1 HP में क्लच किया, 1v3 ORB की स्क्वाड को हाई ड्रॉ, वो कहीं से निकले और कहीं पर आकर फंस गए, स्प्रे गॉड 1v3 करना पड़ेगा अपनी टीम से, क्लो अपना एक राइड डाउन कराते हुए, जंप शॉट देखना ये स्प्रे गॉड क्या वो मुकाबला संभाल पाएंगे, क्या हाई ड्रॉ के एलिमिनेशन को वो संभाल पाएंगे, जंप शॉट यहां एलिमिनेट हुए तो मात्र 0 अंक कर दे जंप की टीम को मिलने वाले, कौन मार रहा है, कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, एक बार क्या वो ग्रेनेड आया अंदर, भाई सब किसी में हो गए क्लॉक के, बाकी एक क्लो क्या वो भी मात्र एक लौते थर्ड पार्टी हुए क्या दूर से सारे दिखाई देंगे, स्प्रे गॉड एक बार फिर से अंदर जाने की कोशिश, S12K वर्सेस DBS का प्रहार, मर गया मर गया, ओ नहीं नॉक पड़ रहे, 1 HP 1 HP 1 HP ये फाइट आसानी से जीत सकते थे बट नहीं, वो खिलाड़ी उनके मुंह पर आया भाई, लेकिन क्लो के चार बंदे थे, कहां गए, रुको रुको मैं एक बार ये फाइट को एनालाइज वापस करना चाहता हूं, क्लो के चार बंदे उधर है, एक बंदा नॉक किया, किसने नॉक किया, क्लो के फिनिक्स ने नॉक किया, स्टार फिनिक्स ही है ना, हां फिनिक्स ने स्टार बॉय को नॉक किया, सबसे मेन प्लेयर को नॉक किया उन्होंने, वो कहीं से फिर वापस से निकले और कहीं पर आकर फंस गए, PMWI IGL शायद वो हुआ, थर्ड पार्टी हुआ, ये जेन ने मारा होगा पॉसिबली, अपना एक राइड डाउन कराते हुए, कौन नॉक दे रहा है, हां जेन ने नॉक दिए दोनों, PMWI IGL जेन ने नॉक दिया प्रॉपर, बिल्कुल एंगल था वहां से, और एक और नॉक दिया, खिड़कियों में नॉक दिया, ये विंडो से नॉक दिया अंदर, एलिमिनेशन को वो संभाल, अभी भी देखो दो बंदे जिंदा है, ठीक है, यहां एलिमिनेट हुए तो मात्र 0, दो जिंदा है ना, ये ले एक और नॉक हुआ, स्प्रे गॉड कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, एक बार क्या वो ग्रेनेड आया अंदर के साइड पर, वो भी देखना बाकी, एक क्लो क्या वो भी मात्र, हां जेन ने एक और नॉक किया, भाई बहुत फास्ट किल फिट चल रही है, एक तो एक बार फिर से अंदर जाने की कोशिश, S12K सेल्फ नेड, सेल्फ नेड से हारी, मां कसम अभी देख रहा हूं मैं, हाँ सेल्फ नेड से मरा है भाई, बहुत गाली पड़ी होगी, किसने किया ये, सागर भाई क्या कर दिया, पूरा सागर कर दिया आपने तो वहां पे, लो वो खिलाड़ी अपने आप को हील करना चाहता है, पूरा फोरमैन, ये फोरमैन सर्वाइव हो जा रहा था, ये लोग इनको इजी था फोरमैन, भले बाहर से नॉक हो गए लेकिन अंदर आके रिवाइव हो सकते थे, वो सेल्फ नेट ने फिनिश डाला है, एक को नॉक किया है और एक को फिनिश डाला है, और जो नॉक हुआ है उसको इसने अपने स्प्रे गॉड ने फिनिश डाल दिया, आरसी ने स्लैम डाल दिया टीएक्स पे, देखना ये कि टीम एक्सपार्क को क्या वो एलिमिनेट कर पाएंगे, जेनिक्स एफएम अगर उन्होंने ध्यान दिया, मेरे को नहीं लगता ये लोग थर्ड पार्टी होंगे अभी, और साथ ही साथ इस पूरे सारंग फट गया है, जा सकता है सारंग, कुछ सेल्फ नेट क्यों हो रहा है आज इतना, और एक बड़ी पुकार भी गया पाक के द्वारा, या पुकार को भी वहां पे टेक डाउन किया जाएगा, और हो सकती है कवर फाइव देने की कोशिश है जरूर, बट ड्रीम्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो ऑन HP, वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, एक मोलोटोव आएगा और हील करने का टाइम हो गया, रिवाइव दिस इज अ ब्लेसिंग इन 3v4 जहां पर वो जो रिवाइवल थे वो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे, दोनों सो गॉड स्प्रे भाई, व्हाट आर यू डूइंग, स्प्रे गॉड आगे बढ़ेंगे, DBS का बेहतरीन इस्तेमाल, दो नॉक उन्होंने करके दिखाए हैं, और थ्री वो अब यहां पर आ रहे हैं, तो बाहर बैठा है, लास्ट बचा है, वापस से एक्शन में आते हुए भाई, कितना क्या फास्ट टच किया है वैसे, आई डोंट थिंक यहां पे उनके पास मौका ज्यादा बचा, फिनिश डाल रहा है, नॉक निकाला, वो फिनिश, दो लोग बचे, तीन लोग, दो लोग बचे होंगे, हां स्प्रे गॉड द MVP राइजेस भाई, लेकिन स्प्रे गॉड ने वो दो नॉक निकाले यार, गॉड वैसे तभी हो पाया, बारी आती है जेनिक्स एफएम की, एक और ग्रेनेड विशु का, ड्रीम्स उनको डाउन किया जाएगा, लास्ट बचा है ना, स्प्रे गॉड एक और मौका, पर ये हो क्या रहा है, ग्रेनेड्स बार-बार आप गलत कैसे थ्रो कर सकते हैं, एक और मौका था उनके पास, वापस क्या सेल्फ नेट में हुआ क्या, वो ग्रेनेड था स्प्रे गॉड के पास, और क्या चल रहा है ये, वो 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 एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे, स्प्रे गॉड क्या कर रहा है ये, ही इज अ DBS मॉन्स्टर, मां कसम भाई, राइट नाउ एक बार फिर से टीम एक्स पार्क को बचाया है, अरे मौली कर दे, वो मौली कर, नीचे गिराई उसने, ऊपर पुश कर जाएगा, अभी भी एक वन, अरे नहीं एक और खिलाड़ी मौली कर देना चाहिए था, वहां पर रिलोड वो ऑलरेडी कर चुके हैं, रिवाइवल उनको कंप्लीट करना चाहिए था, वो सामने मौजूद ग्रेनेड का और बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत जेनिक्स एफएम को, लेकिन वो कर मौली कर फट से, पहले मौली कर ताकि हील करे, रिवाइव करेंगे ड्रीम्स, कर मौली कर, नाइस, इस अ ब्लंडर एक नंबर फ्रॉम जेनिक्स एफएम भाई, लेकिन टीएक्स ने क्या संभाला है, मां कसम भाई, स्प्रे गॉड फॉर्म में आ गया पूरा, मतलब ऐसा लगता है कि अब हर दिन DBS गॉड किसी को भी नाम दे सकते हो भाई, कोई किसी को भी, माय बैड, मतलब कोई भी बन सकता है, कोई भी, देखो आज आज के भाई इस मैच का DBS गॉड स्प्रे गॉड है, वो अभी भी बाहर मौजूद है, उन्हें भी पता है वो बाना छोड़ के उनको निकलना पड़ेगा,
पागल हो गया ये बंदा। दूसरा खिलाड़ी एचपी चेक के अंदर है। कम क्रिप्टो को समाप्त किया गया पर दो खिलाड़ी वो डोर डाई खेल रहा है, वो नहीं कूद पाएगा, वो कूदेगा तो मार देंगे ये लोग। करिएगा क्या वो मार दिया करेंगे भाई स्प्रे गॉड क्या हो गया भाई। एमवीपी ऑफ दिस मैच खिलाड़ी डाउन होता हुआ दिखाई देगा मोक्ष, वो आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से टीम एक्सपर्क। उसको मार दिया क्या वो एक और बंदा, अल्लाह उसको किसी ने स्पॉट कर दिया, वो लेफ्ट से लेट क्या रहा है। भाई मेरे को गाइस याद दिलाना, मेरे को कल पीओवी देखना आज, अगर उसने वीडियो डाला भी होगा तो अपन उसका कल पीओवी देखेंगे स्प्रे गॉड का। अच्छा टोटल 8 किले स्प्रे गॉड के, 6 किले टोटल की थी, पर गलत मारा भाई। क्या संभाला, सबसे पहले आरसी को संभाला, उसके बाद जैन को संभाला अकेले ने, और फिर वापस से जैन को मारा भी।